दरअसल मेकअप इतने किया है कि मैं सोच में पड़ गई, आप नुसरत हो या कोई और। लीजिए आपने तो हम पर तंज ही शुरू कर दी। नहीं बहन, मैंने तंज नहीं की है, बल्कि आपके इस हुलिये को देखकर ताज्जुब हुआ। क्या बहन, किस चीज पर ताज्जुब हुआ? आपके इस मेकअप पर। क्या मेकअप करना और सजना संवरना हमारे लिए जायज नहीं? अरे बहन, सजना संवरना हमारे लिए जायज तो है, लेकिन इस तरीके से नहीं जो आपने इख्तियार कर रखे हैं। क्यों बहन, इस तरीके में कौन सी बुराई है? अरे बहन, आपने ओठों पर लिपस्टिक और नाखून पॉलिश लगा रखी है। और सुनो मेरी प्यारी बहन, इन चीजों में सुअर की चर्बी मिली रहती है और अल्लाह ताला उस जानवर के बाल बाल को हराम करार दिया है, और हम इसी हराम चीज से अपने ओठों और हाथों को सजाते हैं। चीची बहन, आपने किस चीज का नाम ले लिया? और सुनो बहन, इसके लगे रहने से ना तो नमाज सही हो सकती है और ना ही कुरान को हाथ में ले सकती है, और ऐसी औरतें जिस घर में रहेगी फरिश्ता भी उस घर में दाखिल नहीं होंगे। अरे बहन, आपने तो हमें डरा ही दिया, लेकिन हमारे सजने संवरने का कोई तो तरीका होगा। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, बताओ तो फिर क्या है? हम मुसलमान औरतें सुबह उठकर क्रीम पाउडर, लिपस्टिक और नाखून पॉलिश की जगह वजू के पाक साफ पानी को अपने चेहरे पर लगाएं, और काजल की जगह कुरान पाक की लोरी को अपने आँख में लगाएं, और लिपस्टिक की जगह कुरान पाक की तिलावत से अपने ओठों को सजाएं। यही सब चीज हमारे चेहरे को निखार सकती है और चमका सकती है। शहनाज बहन, बातें तो बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ा और भी बताओ, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा तो फिर सुनो मेरी प्यारी बहन, हम औरतों की खूबसूरती शक्ल व सूरत से नहीं, बल्कि हमारी खूबसूरती दिल की पाकिजगी में है। हमारा जेवर और सिंगार शर्म व हया है, हमारा लिबास और रस्मी चमकीले कपड़े नहीं, बल्कि हमारी नेक सीरत सलीके मंद है। और ये भी याद रखो, तुमको अल्लाह ने कम खूबसूरत बनाया है तो उस पर गम मत करो, क्योंकि दुनिया में भी तुमसे कम खूबसूरत जी रहे हैं। और अगर अल्लाह ने तुमको खूबसूरत बनाया है तो उस पर गुरूर और तकब्बुर मत करो, इसलिए कि दुनिया में भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत मौजूद है और अल्लाह ताला का इरशाद है। ए मुसलमान औरतों, अपने घरों में बावकार बैठी रहो, जमाना जाहिलत की तरह बनाओ, सिंगार करती मत फिरो। बात आई आपकी समझ में? जी हाँ बहन, आपने तो बातें तो बहुत अच्छी अच्छी की, लेकिन ये सब आपको कहाँ से मालूम हुआ? हाय रे सदगी, ये सारी बातें हमें इस्लाम सिखाता है। फिर भी ठीक है, लेकिन ये सब आपको कहाँ से हासिल हुआ? ओहो तुमको मालूम नहीं, हमारे मोहल्ले में कई साल से मक्तम निजामिया चल रही है, सारी बातें हमको इसी में सिखाई जाती है। मेरी अच्छी बहन, तुम भी इस मदरसा में आ जाओ, फिर हम मिलकर इस्लामी तरीका सीखेंगे और अपने बहनों को सिखाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करती हूँ कि उस काम में आपका पूरा साथ दूंगी। अच्छा बहन, हम सब मिलकर उस मदरसा के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उस मदरसा को दीन दुआनी रात चुंगी तरक्की अता फरमाए, और उसमें सही तालीम हासिल करने वालों को कामयाबी से सरफराज फरमाए, और उस मदरसा को हम सब की नजात का जरिया बनाए, और हम सब मुसलमानों के दिलों में उस तालीम की कदर अता फरमाए, और हमारी बहनों को उस फैशन से दूर रखे और उनको दीनी का पाबंद बनाए। आमीन। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, घर में अम्मी बेचैन से मेरी इंतजार कर रही होगी, लेकिन तुम वादा करो कि आइंदा से ये सब चीज तुम नहीं लगाओगी। जी हाँ बहन, मैं वादा करती हूँ कि आइंदा से ये हराम चीज नहीं लगाऊंगी। और मेरे प्यारे बहनों, जो मेरी आवाज को सुन रही हो, उनसे अर्ज करती हूँ कि वह भी ये चीज कतई इस्तेमाल ना करे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।